हेलो फ्रेंड्स, बबीता ब्लॉग कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको पत्ता गोभी की लच्छेदार पकौड़ी बना के दिखाएंगे, वो भी बहुत कम समय में। चलिए दिखाते हैं। एकदम पतला पतला कट कर लिए हैं, थोड़ा हल्का लंबे साइज में रहेगा तो अच्छा बनेगा लच्छेदार पकौड़ा। अब हम इसमें हम डालेंगे बेसन, और हम मसाले पीस के रखे हैं वो डालेंगे। इसमें मसाले में है धनिया, हरी धनिया, मिर्चा, अदरक और जीरा और नमक। ये मैं ऐड कर देती हूँ इसको। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और हरी धनिया कटा हुआ। और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच मिक्स मसाला, जो मैं घर पे बनाए हूँ वो मसाला है। और इसे हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे ताकि पत्ता गोभी में थोड़ा पानी रहता है ना, इसलिए अच्छे से पहले मिक्स करना। बिना पानी के इतना मिक्स हुआ है, अब हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा। ऐसे मिक्स करके हम रख लेंगे। पहले 2 मिनट इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे। चलिए 2 मिनट ये सेट हो गया है। मैं इसे हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी फिर से, और फिर चलिए बनाते हैं। कढ़ाई में गैस पे चढ़ा दी हूँ, तेल गरम हो गया है, अब देख सकते हैं। अब मैं इसमें पकौड़े डालूँगी। पकौड़े ब्राउन हो जाए तो उसे हम निकालेंगे। थोड़ा कड़क रहेगा तो अच्छा लगेगा, कुरमुरा चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। पकौड़ा हो गया है, आप देख सकते हैं, गर्मा गर्म निकाल के आप सर्व करें। प्लेट में से मैं निकाल लेती हूँ। बना के आपको दिखाती हूँ। सारे पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, देख सकते हैं। आप भी आइए नाश्ता कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।